दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं जिससे आप मात्र 750 रुपये, मतलब 750 रुपये लगाकर लाखों रुपए महीने बड़े आराम से कमा सकते हैं। और साथ में आपको इसके साथ ही नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिलेगा। ये कंपनी आपको मात्र 750 रुपये में लाखों रुपए कमाने का बहुत ही अच्छा मौका दे रही है। इस 750 रुपए में आपको ये कंपनी आपके नाम से, या फिर जिस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं, उसके नाम से कंपनी आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाकर देगी। और इसके साथ कंपनी के पास हजारों हजार प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपकी वेबसाइट पर कंपनी अपलोड कर देगी। और उन प्रोडक्ट की फ़ोटो, कलर और जो भी प्रोडक्ट हैं उसकी स्पेसिफिकेशन क्या हैं, वो सब कुछ आपकी वेबसाइट में अपलोड कर देगी। इसमें आपका काम ये रहेगा कि आपको सिर्फ कस्टमर ढूंढकर अपनी वेबसाइट से लोगों को सामान बेचना है। और इसके कस्टमर कैसे आपको मिलेंगे, इसके भी बहुत सारे तरीके कंपनी आपको बताती है। आप कैसे सामान बेच सकते हैं और कैसे आपको मुनाफा होगा, ये सारी चीज़ें कंपनी बताती है और मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। मतलब कि आपको कोई भी सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद भी कंपनी आपकी वेबसाइट में 50 लाख रुपए का सामान डाल देगी, और वो भी आपके नाम से। मतलब आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी दिखा सकते हैं कि आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है जिसमें आपने इतने प्रोडक्ट खरीद कर रखे हुए हैं, क्योंकि ये वेबसाइट में आपका नाम और आपका पता सब कुछ आपके नाम से ही पूरी वेबसाइट रहेगी। और उस वेबसाइट में कोई भी देखेगा तो यही बोलेगा कि ये तो आपका बिजनेस है और ये वेबसाइट आपके है, क्योंकि ऑनर भी उस वेबसाइट में आप ही रहेंगे और वो आप ही के नाम से बनाएगी। अब दोस्तों, इसको बेचना कैसे है, तो इसको बेचने के लिए कंपनी कई तरीके बताती है। जैसे कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप इसका प्रचार कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी सामान हो, जैसे कपड़ा हो गया, या कि कोई भी जो डेली ज़रूरत की जो सामान रहते हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, तो उसमें आपकी वेबसाइट में सारा कुछ अपलोड रहेगा। तो आपको ये रिकमेंड करना है सबको कि भैया आपको अगर कोई सामान लेना है तो हमारी वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या कि फिर आप अपने व्हाट्सएप में उन प्रोडक्ट की फ़ोटो या अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट की लिंक उसमें दे सकते हैं, तो वहाँ भी जाकर लोग खरीद सकते हैं। आप अपने रिश्तेदार को भी रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आप फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सब चीज़ों में भी आप अपनी कंपनी का प्रचार करके और अपना खुद का सामान बेच सकते हैं। और आप ये बता सकते हैं कि मेरे खुद का बिजनेस है और ये जो सामान है ये मेरे खुद के हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। और भी इसके अलावा भी कंपनी बहुत सारे तरीके बताती है जो इससे कि आपको अच्छा लाभ बहुत ही जल्दी मिलने लगेगा। अब आपको कमाई कैसे होगी, इसमें आपको अच्छी कमाई होगी, लाखों रुपए महीने आप कमा सकते हैं, वो भी बिना एक रुपया इन्वेस्टमेंट के। मतलब आपको सिर्फ वेबसाइट, आजकल आप कहीं भी अगर बिजनेस की ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाएंगे तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए में वो वेबसाइट बनेगी। उसके बाद आपको खुद का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, फिर अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप इसको सेल कर पाएंगे। लेकिन आपको मात्र 750 रुपये में 20,000 में जो ई कॉमर्स, 30,000, 40,000, 50,000 में जो ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये इस टाइप की वेबसाइट जो होती हैं जहाँ पे आदमी परचेज कर सकता है, खरीद कर बिक्री कर सकता है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती हैं। इससे आप दूसरों को सामान बेच सकते हैं या आप खरीद भी सकते हैं। अब इसमें कमाई का सबसे बड़ा जरिया ये है कि जैसे आप की वेबसाइट हो गई, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे, लाखों प्रोडक्ट रहेंगे, उनमें कंपनी आपको एक प्राइस लिस्ट देती है और कंपनी आपसे पूछेगी कि ये बताइए कि इसकी क्या कीमत रख दी है। सपोज करिए एक कॉटन का शर्ट है, तो एक शर्ट की कीमत आपको कंपनी 150 रुपये बता रही है। अब आपसे कंपनी पूछेगी कि आप इसमें कितना फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप 300 में बेचना चाहते हैं, 600 में बेचना चाहते हैं, या आप बहुत कम मुनाफा लेना चाहते हैं, 50 रुपया ही मुनाफा आपको मिल जाए, और इस तरह करके कम पैसे में भी मिल जाए और लोग ज़्यादा आने लगें, इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं और कंपनी आपके मन मुताबिक उसमें पैसा डालेगी। दूसरी चीज़, अब सामान कैसे जाएगा, तो सामान जाने के लिए पूरी जवाबदारी कंपनी की है, ना आपको सामान खरीदना है, ना आपको डिलीवरी कराना है, सारी हेडक, सारी टेंशन वाला जो काम है वो सब कंपनी का है। जैसे ही ऑर्डर वेबसाइट में जाएगा तो कंपनी आपको तुरंत सूचित करेगी और आपके उसमें वेबसाइट में तुरंत दिखने लगेगा कि एक ऑर्डर आपके पास आ गया है, वो आपके वेबसाइट में दिखेगा, उनके वेबसाइट में, कंपनी की वेबसाइट में भी
दिखेगा। उसके बाद जो भी प्रोडक्ट बिकता है, तो मान लीजिए जैसे आप एक शर्ट बेच रहे हैं, किसी को आप शर्ट की कीमत 350 रखे हैं और वहाँ से आपने 150 के खरीदी, मतलब कंपनी का जो रेट है वो 150 है, लेकिन आप अपना कमीशन जोड़ के उसमें 350 आप रखे हैं, तो 350 में अगर बिकेगा तो 200 रुपये तुरंत आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा और जो कंपनी का पैसा होगा, जो शर्ट की कीमत होगी, वो कंपनी अपने पास रख लेगी। दूसरी चीज़, इसमें कई सुविधाएं हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन परचेज करके तुरंत कैश में भी परचेज कर सकते हैं, जैसे ही आप खरीद रहे हैं तुरंत उसी टाइम पेमेंट कर दें तो आपके यहाँ पहुँच जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी सुविधा ये भी दे रही कंपनी कि कैश ऑन डिलीवरी भी हो जाएगा। मान लीजिए जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट, वहाँ से आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव्स खरीदते हैं, तो उस अगर वो ऑप्शन डालते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी, तो कंपनी जो आपसे कनेक्टेड है, वो कंपनी आपके जो भी दोस्त या रिश्तेदार सामान खरीदे हैं उनके यहाँ पहुँचाएगी, और उसके बाद जब सामान देगी उसके बाद पैसा लेगी, और जैसे ही पैसा लेगी, चूँकि पैसा कुरियर के थ्रू आएगा, तुरंत कंपनी के पास जाएगा, और उसके बाद जो कंपनी का हिस्सा है वो अपने आप कंपनी में चला जाएगा, जो आपका हिस्सा है वो आप में चले जाएगा। मतलब कमीशन आपके मन मुताबिक इसमें मिल सकता है, आपको पैसा कमाना नहीं। बिजनेस तो यही होता है कि सपोज करिए, मान लीजिए आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, सपोज करिए एक रूमाल आप खरीद के लाते हैं, तो रूमाल अगर आप 10 रुपये खरीद के लाते हैं तो आप दुकान में बैठ के उसको 15 में ही बेचेंगे, तो सेम यही सिस्टम है। लेकिन इसमें कंपनी आपको इतना अच्छा मौका दे रही है कि आपको 1 रुपया फंसाना नहीं है, 1 रुपये की आपकी हेडक नहीं, सिर्फ आपको कस्टमर जोड़ना है और आपको पैसा बड़े आराम से आपके अकाउंट में आता रहेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मान लीजिए जैसे 200 रुपया कोई चीज है, उसके बाद कोई भी सामान 200 का है, कंपनी उसको दे रही, आप उसमें 600 डालेंगे तो कंपनी 200 रुपये में सामान दे रही तो कंपनी सिर्फ उसका 200 लेगी, लेकिन उसके बाद आपको फ्री में 400 अगर आप उतनी महंगी बेच लेते हैं तो आपको सीधे पूरा 400 का पूरा 400 आपके अकाउंट में फ्री में आ जाएगा, जिसमें सिर्फ आपको कस्टमर ढूंढना है। और आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कस्टमर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत सारा आज हमारे इंडिया में हर जगह और बहुत सारे लोग गाँव-गाँव में भी ऑनलाइन परचेज चीज़ें करने लगे हैं, तो इसमें और इस चीज़ का भविष्य बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन मतलब भविष्य में जो है ये सारा कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा, लोग जो भी सामान खरीदेंगे ऑनलाइन खरीदेंगे। आज लगभग 50% से ज़्यादा आदमी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन परचेज करते हैं, लेकिन भविष्य इस बिजनेस का बहुत ज़्यादा है, वो भी मात्र 750 रुपये में ये बिजनेस आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको उस कंपनी का नंबर डिस्प्ले में भी दिए दे रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नंबर दिया हुआ है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी कंपनी से ले सकते हैं और कंपनी से जुड़ सकते हैं। और 750 रुपया कोई भी बड़ा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है, 750 रुपया में बिजनेस अगर आपको मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, 750 रुपया मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप 750 में अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। और आपका एक बार पैसा फंस जाएगा 750, लेकिन आपके नाम में वेबसाइट मिल जाएगी और उस वेबसाइट में लाखों करोड़ों का सामान पड़ा रहेगा, और उसमें कोई भी अगर सामान खरीदता है, मान लीजिए अगर आपके नाम की वेबसाइट है और आप कोई भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग अगर आपकी वेबसाइट से सामान खरीद के ले जाएंगे तो वो तुरंत सीधे आपके पास उसकी सूचना आ जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट से कोई भी इवन ये तक सूचना मिलेगी कि आपकी वेबसाइट में कितने लोग आए हैं और आपकी वेबसाइट में कितने लोग कौन कौन सा सामान देखें, इसका भी नोटिफिकेशन आपको एनालिटिक में मिल जाएगा कि वो व्यक्ति कहाँ का है, कैसा है और कौन सा प्रोडक्ट देखा है और कितने का प्रोडक्ट देखा है, ये सारी चीज़ें भी उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार है, और आप कंपनी को डायरेक्ट फ़ोन लगाकर या कंपनी से व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं इसी तरह के लो इन्वेस्टमेंट या स्मॉल बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूँ, तो जब भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।